श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हम जो तिलक लगाते हैं ये तिलक 15 बातों को दर्शाती है, इंडिकेट करती है। वो 15 बातें क्या हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तिलक लगाना सनातन संस्कृति का एक प्राचीन हिस्सा रहा है। हमने अपने एक वीडियो में बताया था कि इस तिलक का महत्व क्या है। हम आपको और भी सहज भाषा में उन बातों के बारे में बताएंगे जिन तिलक लगाने से शुभ होता है। खुशी के अवसर की तिलक देने की परंपरा चली आती है। जब भी खुशी का अवसर होता है लोग तिलक लगाते हैं। तिलक भाग्य की निशानी है, सौभाग्यशाली की निशानी है। तिलक लगाने से हम परमात्मा के करीब होते हैं, इसलिए हमारे भाग्य का उदय होना निश्चित होता है। नकारात्मक ऊर्जा को भगाता है तिलक। जब ललाट पर तिलक सुशोभित होता है तो हमारे मन में सकारात्मकता का प्रवाह होता है, हमें हर समय खुशी का अनुभव होता है। संकट को दूर करने की निशानी है। संकट के समय पुजारी लोग तिलक लगाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए तिलक देने की परंपरा है। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करें, घर से रवाना होने से पहले तिलक अवश्य लगाते हैं। हम लोग भी जब जाते थे एग्जाम वगैरह देने के लिए तो हमारी जो मम्मी है वो तिलक लगाती थी, वो दही की तिलक लगाती थी कभी कभी। तिलक पवित्रता की निशानी है। किसी की बुरी नजर नहीं लगे इसलिए शादी के बाद बहनें तिलक अर्थात बिंदी लगाती हैं। बुरी नजर नहीं लगे इसके लिए माताएं छोटे बच्चे के मस्तिष्क पर यहां पर काला तिलक लगा देती है ताकि कोई टोक नहीं हो जाए। गांव में आज भी ये परंपरा प्रचलित है। शहरों में भी हम बड़े जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो लोग भी इस बात को मानते हैं। वो हमेशा जब बच्चे को पूरा पाउडर वगैरह लगा देंगे फिर आप एक तिलक लगा देते हैं। यहां तक कि मुझ पर भी बालपन में नजर उतारने के लिए काला टीका लगाया जाता था। युद्ध के मैदान में जाते समय बहन अपने भाई को तथा माँ अपने बच्चे को विजयी होने का तिलक देकर घर से रवाना करती है। तीसरे नेत्र की निशानी तिलक होती है। भिकिटी के मध्य में हमारा आज्ञा चक्र होता है। योगी लोग अपना ध्यान यहां पर केंद्रित करते हैं। तिलक देना हिंदू संस्कृति अर्थात देवी देवता धर्म की मुख्य तथा सर्वोच्च परंपरा है। तिलक लगाना ही हिंदू धर्म की मुख्य पहचान है। सनातन धर्म की यह बहुत प्राचीन परंपरा है। सुहाग की निशानी तिलक है। सुहागिन माताएं और बहनें अपनी सुहाग होने की निशानी भी तिलक द्वारा ही बताती है। बेशक वो तिलक सिंदूर की तरह लगाती है, बिंदी भी लगाती है। आत्मस्मृति की निशानी भी चंदन का तिलक मंदिर में देते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, इसका निशानी भी तिलक देते हैं। अपनी चेतना की जागृति के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हैं। तिलक धारण करने में अनामिका मतलब ये उंगली मानसिक शांति प्रदान करती है। मध्यमा उंगली ये वाला मनुष्य की आयु वृद्धि करती है। अंगूठी से जब तिलक लगाते हैं तो अंगूठा प्रभाव ख्याति और आरोग्य प्रदान करता है, इसलिए विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा है। मस्तिष्क में सेराटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नामक रसायनों का संतुलन होता है। इनसे मेघा शक्ति बढ़ती है तथा मानसिक थकावट के विकार नहीं होते। मस्तिष्क पर चंदन का तिलक सुगंध के साथ साथ शीतलता देता है। ईश्वर को चंदन अर्पण करने का भाव यह है कि हमारा जीवन आपकी कृपा रूपी सुगंध से भर जाए एवं हम व्यवहार से शीतल रहें अर्थात ठंडे दिमाग से कार्य करें। अधिकतर उत्तेजना में कार्य बिगड़ता है और चंदन लगाने से उत्तेजना नियंत्रित होती है। चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में शांति, तरावट और शीतलता बनी रहती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।